नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए एक बहुत बेहतरीन और जानी मानी किताब जिसका नाम है बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी और इसे लिखा है मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने। क्या आप उन लोगों में से हैं जो आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं? क्या आप भी खुद को मजबूर महसूस कर रहे हैं और ये नहीं जानते कि फाइनेंशियल तौर पर सिक्योर होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आप व्यावसायिक जगत में फैले भ्रष्टाचार पर क्रोधित हैं, वॉल स्ट्रीट्स और बड़े बैंक से नाराज हैं, या फिर आप खुद से नाराज हैं कि आपने समय रहते अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर क्यों नहीं थामी? अर्थव्यवस्था के बारे में शिकायतें करने से आपका आर्थिक भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। यदि आप दौलत चाहते हैं तो आपको उसे बनाने की जरूरत है। आपको अपनी आमदनी के स्रोत को नियंत्रित करके अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेने की जरूरत है, वो भी आज ही। पर आप ये कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी मिलेगी आपको इस ऑडियो बुक में। इस किताब में आपको मिलेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के नियम और तरीके, साथ ही आप जानेंगे कि कैसे आप जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं और उसे बचाकर भी रख सकते हैं। इस किताब में इस बात को भी समझाया गया है कि पैसा कैसे काम करता है और आप उन सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान पाएंगे जो आपको अपनी इच्छा से जीवन जीने में मदद करेंगी। इससे आपको अपने भविष्य को नियंत्रित करने और उसे संवारने की प्रेरणा मिलेगी। तब आप जान जाएंगे कि सोसाइटी के बनाए हुए घिसे पिटे रास्तों पर चलने के बजाय अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ये 21वीं सदी न सिर्फ अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सही समय है, बल्कि शायद आज तक का सबसे बेहतरीन समय यही है। और कैसे इस समय का उपयोग करके आप अपने मजबूत भविष्य की नींव रख सकते हैं, ये भी जानेंगे आप इस ऑडियो बुक में। एक बार जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होने के सारे सिद्धांत सीख जाएंगे तो उसके बाद आसानी से एक ऐसा मजबूत आधार बना पाएंगे जो आपको आपकी जिंदगी में वो सब कुछ देगा जो आप हमेशा से चाहते थे। तो बिना देरी किए सुने इस बेहतरीन ऑडियो बुक को और आज ही शुरू करें अपने सपनों का सफर। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है और आपकी नौकरी संकट में है, बशर्त आपकी नौकरी अभी बची हुई हो। जरा ठहरें, क्या आपको पता है मैं ये बात बरसों से कह रहा हूं? जब मैंने ये कहा था तो ज्यादातर लोगों ने अनसुना कर दिया था। उनके कान तो तभी खुले जब इतना बड़ा विश्वव्यापी आर्थिक संकट धमक कर उनके सामने खड़ा हो गया। बहरहाल ये पुस्तक इस बारे में नहीं है कि हर चीज ठेले पर सवार होकर रसातल में क्यों और कैसी चली गई। ये तो इस बारे में है कि ये बहुत बुरी खबर बहुत अच्छी खबर में कैसे बदल सकती है, बशर्ते कि आपको इसका तरीका मालूम हो। व्यवसाय के बारे में मैंने दो लोगों से सीखा, मेरे पिता जो एक अति शिक्षित व उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी थे, और मेरे सबसे अच्छे मित्र के पिता जिन्होंने 8वें ग्रेड में पढ़ाई छोड़ दी थी तथा जो बाद में अपने दम पर करोड़पति बने थे। मेरे असल पिता जीवन भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे और बरसों की कड़ी मेहनत के बावजूद अंतिम वक्त में उनके पास कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर मेरे सबसे अच्छे मित्र के पिता अंततः हवाई के सबसे दौलतमंद लोगों में से एक बने। मैं इन दोनों को अपना गरीब डैडी और अमीर डैडी मानता था। मैं अपने असल डैडी से बहुत प्रेम करता था और उनका सम्मान भी। मैंने कसम खाई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करूंगा ताकि जीवन में मेरे डैडी को जो अपमान और असफलता झेलनी पड़ी वो बाकी लोगों को न झेलनी पड़े। घर से बाहर कदम रखने पर मुझे सभी तरह के अनुभव हुए। नौसेना में भर्ती होकर मैंने वियतनाम में हेलीकॉप्टर चालक के रूप में सेवाएं दी। मैंने जेरोक्स कॉरपोरेशन में भी काम किया। शुरुआत में तो मैं उनका सबसे बुरा सेल्स पर्सन था, लेकिन 4 साल बाद जेरोक्स छोड़ते वक्त मैं उनका सर्वश्रेष्ठ सेल्स पर्सन बन चुका था। जेरोक्स को अलविदा कहने के बाद मैंने करोड़ों डॉलर की कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां खड़ी की, पर अंततः 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो गया ताकि अपना सपना पूरा कर सकूं, यानी दूसरों को यह सिखा सकूं कि घुट घुट कर औसत जीवन से संतुष्ट होने या समझौता करने के बजाय दौलत कैसे बनाई जाए और अपने सपनों का जीवन कैसे जिया जाए। अपने अनुभवों के आधार पर
1997 में मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, इसने कम से कम कुछ पाठकों के दिलो दिमाग पर तो असर जरूर डाला होगा। रिच डैड पुअर डैड न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर सूची के शिखर पर पहुंच गई और 4 वर्ष से भी अधिक समय तक वहीं बनी रही। इसे ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बिजनेस बुक के खिताब से भी नवाजा गया। इसके बाद मैं रिच डैड सीरीज की बहुत सी पुस्तकें लिख चुका हूं, हालांकि हर पुस्तक एक अलग पहलू पर केंद्रित है, लेकिन उन सभी का संदेश कमोवेश वही है जो उस पहली पुस्तक का था, और वही संदेश इस पुस्तक की भी बुनियाद है जिसे आप इस वक्त अपने हाथों में थामे हैं और सुन रहे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर थामे या फिर जीवन भर दूसरों के आदेशों का पालन करने की आदत डाल लें, आप या तो धन के स्वामी होते हैं या फिर इसके दास। विकल्प चुनना आपके हाथ में है। मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूं कि मुझे जीवन में ऐसे अनुभव और मार्गदर्शक मिले जिन्होंने मुझे सच्ची दौलत बनाने का तरीका सिखाया। फलस्वरूप मुझे जल्दी ही रिटायर होने में कामयाबी मिली और दोबारा कभी काम करने की कोई जरूरत नहीं रही। उस वक्त तक मैं अपने परिवार का भविष्य संवारने के लिए काम कर रहा था, उसके बाद मैं आपका भविष्य संवारने के लिए काम कर रहा हूं। पिछले 10 वर्षों से मैं सबसे प्रभावी और व्यवहारिक तरीके खोजने के प्रति समर्पित हूं जिनसे लोग ये सीख सकें कि सच्ची दौलत कैसे बनाई जा सकती है और 21वीं सदी में वे अपने जीवन का कायाकल्प कैसे कर सकते हैं। रिच डैड सीरीज की पुस्तकों के जरिए मेरे साझेदारों और मैंने कई प्रकार के उद्यमों तथा निवेश के बारे में लिखा है, लेकिन गहन शोध के इन वर्षों के दौरान मुझे एक खास बिजनेस मॉडल नजर आया। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें बहुसंख्यक लोगों के सफल होने की सबसे ज्यादा संभावना है और इसकी मदद से वे अपने आर्थिक जीवन, भविष्य तथा भाग्य की बागडोर थाम सकते हैं। एक और बात, जब मैं सच्ची दौलत कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ धन तक ही सीमित नहीं है। धन पूरी दौलत नहीं है, ये तो इसका एक हिस्सा मात्र है। सच्ची दौलत का संबंध जितना पैसे बनाने से है उतना ही उस व्यक्ति से भी है जो पैसे बना रहा है। इस पुस्तक में मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपको अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने की जरूरत क्यों है और आपको कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहिए, लेकिन मुद्दा आपके वर्तमान व्यवसाय या नौकरी को बदलना ही नहीं है, मुद्दा दरअसल ये भी है कि आप खुद को बदल लें। मैं आपको बता सकता हूं कि अपना आदर्श व्यवसाय खड़ा करने के लिए आवश्यक चीजें कैसे खोजें, लेकिन अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए आपको अपना भी विकास करना होगा। प्रकाश की किरण। 13 जुलाई 2009 के अंक में टाइम्स मैगजीन ने पेज 2 पर एक लेख छापा, रॉबर्ट कियोसाकी के लिए 10 सवाल। उनमें से एक सवाल यह था कि क्या इस उथल पुथल भरी अर्थव्यवस्था में नई कंपनियां बनाने के अवसर मौजूद हैं। सवाल पढ़कर मेरे मन में पहला विचार तो यह आया कि क्या आप मजाक कर रहे हैं। बाद में मैंने इसके जवाब में यह कहा, यह सर्वश्रेष्ठ समय है। जब समय खराब होता है तभी सच्चे उद्यमी उभर कर सामने आते हैं। उद्यमी दरअसल इस बात की परवाह नहीं करते कि बाजार की हालत अच्छी है या खराब, वे तो बेहतर प्रोडक्ट्स और बेहतर प्रक्रियाएं उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए जब भी कोई कहता है कि ओ अब तो अवसर कम हो गए, तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि वे पराजित हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में आपको तमाम बुरी खबरें मालूम हैं, अच्छी खबर का इंतजार करें। देखिए, सच तो यह है कि इस मामले में बुरी खबर ही अच्छी खबर है। मैं आपसे वही कहूंगा जो मैंने टाइम मैगजीन में कहा था, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए मंदी का दौर ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो उद्यमिता सर्द रात में लकड़ी के अलाव की तरह धधकने लगती है। सवाल, माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी साम्राज्यों में इसके अलावा क्या समानता है कि वे दोनों ही अरबों डॉलर के बहुत सफल व्यवसाय हैं तथा बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। उत्तर, वे दोनों ही मंदी के दौर में शुरू हुए थे। दरअसल डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के आधे से ज्यादा कॉर्पोरेशंस मंदी के दौर में ही शुरू हुए थे। ऐसा क्यों? जवाब सरल है, आर्थिक अनिश्चितता के दौर में लोग ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। वे अपने आरामदेह दायरे को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और गुजारा करने के लिए पहल शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छे पुराने जमाने की अमेरिकी उद्यमिता है अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में।
जब यात्रा मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग आगे निकल जाते हैं। एक बात तो तय है कि मुश्किल आर्थिक दौर में नए अवसर के लिए बाजार परिपक्व होता है। 5 वर्ष पहले जब मकानों के दाम आसमान छू रहे थे और कर्ज आसानी से मिल रहा था, तब कोई भूखा नहीं था। लोगों के पेट भरे हुए थे, वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे और बहुत कम लोग आमदनी के वैकल्पिक साधनों की तलाश कर रहे थे। कर्मचारी अपनी कंपनियों के आर्थिक स्थायित्व के बारे में चिंतित नहीं थे और उन्हें ये चिंता भी नहीं सता रही थी कि आगे चलकर उन्हें कहीं नौकरी से न निकाल दिया जाए। लेकिन अब हर जगह छटनी का बोलबाला है, इसीलिए हर व्यक्ति को चिंता सता रही है कि भविष्य में न जाने क्या होगा। इसीलिए अब लाखों करोड़ों लोग पूरे होशो हवास में आकर अपनी आर्थिक स्थिति का दोबारा आकलन कर रहे हैं। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि यदि वे ऐसा सुरक्षित भविष्य चाहते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें, तो उन्हें दूसरी वैकल्पिक योजना का सहारा लेना होगा। वास्तविकता यह है कि आज लोगों के मन में अतिरिक्त धन कमाने की पहले से कहीं अधिक भूख है। इस वजह से उनका दिमाग नए रास्तों के प्रति ज्यादा खुल चुका है और वे सुनने के लिए ज्यादा तैयार हो चुके हैं। वास्तव में यह हालिया आर्थिक गिरावट के पहले भी सच था। 1980 के दशक से, खासतौर पर सर्दी बदलने के मोड़ से, लोगों के मन में अपने भविष्य को नियंत्रित करने की इच्छा बलवती हो रही है। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 2007 की रिपोर्ट 21वीं सदी के अमेरिका में कामकाज, उद्यमिता और अवसर में कहा था, करोड़ों अमेरिकी अपने छोटे व्यवसाय चलाकर उद्यमिता को अपना रहे हैं। 72% वयस्क अमेरिकी नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं और उनमें से 67% नियमित रूप से या लगातार अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते हैं। देखिए, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अर्थशास्त्री है, पॉल ज़ेन पिल्सर। पॉल बहुत ही होनहार और सफल व्यक्ति हैं। वे सिटी बैंक के सबसे युवा वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने और करोड़ों डॉलर कमाने की खातिर उन्होंने बैंकिंग जगत को छोड़ दिया। उन्होंने कई न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर्स लिखी हैं। यही नहीं, बचत और कर्ज का संकट गहराने के पहले ही उन्होंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने 2 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में आर्थिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई है। वे ऐसे शख्स हैं जिनकी बात सुनने लायक होती है। पॉल का कहना है कि करियर संबंधी सांस्कृतिक मूल्यों में आजकल 180 डिग्री का पूर्ण परिवर्तन होने लगा है और पारंपरिक कंपनी का कर्मचारी तंत्र अब उद्यमी मार्ग के सामने घुटने टेक रहा है। पॉल कहते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पारंपरिक बुद्धिमत्ता ये थी कि स्कूल जाओ, अच्छी शिक्षा हासिल करो और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करो। अपना व्यवसाय शुरू करने के विचार को प्रायः खतरनाक माना जाता था, शायद प्रशंसनीय लेकिन जोखिम भरा, और शायद थोड़ा पागलपन भरा भी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। पॉल सही कहते हैं, मैंने जिस यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स रिपोर्ट का जिक्र किया है, वो एक गैलप पोल के निष्कर्ष की ओर भी संकेत करती है, जिसमें बताया गया है कि 61% अमेरिकी अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं। फ्रेस्नो रिसर्च फर्म डिसाइफर के एक अन्य सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 72% वयस्क अमेरिकी नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उनमें से 67% नियमित रूप से या लगातार अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते हैं। देखिए, ये केवल आजीविका कमाने के बारे में नहीं है, ये तो हमारे जीवन की गुणवत्ता के बारे में भी है कि हम कैसे जी रहे हैं। लोग अब जाग चुके हैं, अब वे अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं। वे अपने परिवार से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, अपने समय के मालिक खुद बनना चाहते हैं, ऑफिस के बजाय घर पर रहकर काम काज करना चाहते हैं, अपनी तकदीर की इबारत खुद लिखना चाहते हैं। डिसाइफर के अध्ययन में 84% लोगों ने कहा था कि यदि वे खुद अपने व्यवसाय के मालिक बन जाएं, तो ज्यादा जोश से काम करेंगे। उन्होंने अपना काम खुद करने की इच्छा का सबसे बड़ा कारण क्या बताया? अपने कामकाजी जीवन के बारे में अधिक जोशीला बनना। दरअसल हो यह रहा है कि नौकरी की सुरक्षा का 20वीं सदी का मिथक हमारी आंखों के सामने धराशायी हो रहा है, जिसमें यह वादा किया जाता था कि किसी दूसरे के लिए नौकरी करना ही दीर्घकालीन सुखद और संतुष्टिदायक जीवन का मार्ग है। रोजगार का मिथक।
परिस्थितियां अधिकांश लोगों के दिमाग में कई मिथ्याएं डाल देती हैं, जिस वजह से हम रोजगार को सामान्य मानने लगते हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ये सामान्य नहीं है। दरअसल कर्मचारी बनने की पूरी अवधारणा कुछ समय ही पुरानी है। कृषि युग में अधिकांश लोग उद्यमी थे। हाँ, वे राजा की जमीन पर काम करने वाले किसान जरूर थे, लेकिन राजा के कर्मचारी नहीं थे। राजा उन्हें तनख्वाह नहीं देता था। वास्तव में होता इसका उल्टा था। किसान राजा की जमीन का उपयोग करने के बदले उसे कर देते थे। ये किसान दरअसल छोटे व्यवसाय के उद्यमी रूप में अपनी आजीविका कमाते थे। वे कसाई का काम करते थे, बेकरी चलाते थे और मोमबत्तियां बनाते थे। उनका व्यवसाय पुश्तैनी था और उनकी संतानें भी बाद में वही काम करने लगती थी। पेशे से परिवार की पहचान कुल नामों या सरनेमों के जरिए आज तक चली आ रही है। स्मिथ गांव के लोहार का सरनेम था, बेकर बेकरी मालिकों का सरनेम था, फार्मर केवल खेती पर निर्भर परिवारों का सरनेम था, टेलर दर्जियों का सरनेम था और कूपर पीपे बनाने वालों का सरनेम था। औद्योगिक युग में काम करने वाले एक नए समूह कर्मचारियों की मांग बढ़ने लगी। फलस्वरूप सरकार ने जनता को शिक्षित करने का काम संभाल लिया और प्रशिया के तंत्र को अपनाया। आगे चलकर संसार के अधिकांश पाश्चात्य शिक्षा तंत्र प्रशिया के इसी तंत्र के आधार पर बने। क्या आपने कभी सोचा है कि 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट का विचार कहां से आया? मैं आपको बताता हूं ये कहां से आया। प्रशिया के राष्ट्रपति ओट्टो वॉन बिस्मार्क ने 1889 में यह विचार दिया। वास्तव में बिस्मार्क की योजना 65 नहीं बल्कि 70 वर्ष की उम्र में शुरू होती थी, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 65 वर्ष की उम्र के बाद बूढ़े लोगों को पेंशन की गारंटी देने में बिस्मार्क की सरकार को ज्यादा आर्थिक जोखिम नहीं था। उस वक्त प्रशिया के नागरिक की औसत आयु लगभग 45 वर्ष ही थी। आज बहुत से लोग 80-90 वर्ष की उम्र के बाद भी इतनी अच्छी तरह जी रहे हैं कि इस वादे से संघीय सरकार अगली पीढ़ी में ही दिवालिया हो सकती है। जब आप प्रशिया की शिक्षा नीति के बुनियादी दर्शन पर शोध करते हैं तो आप पाएंगे कि इसका उद्देश्य एक ऐसे सैनिक तथा कर्मचारी तैयार करना था जो हर आदेश का पालन करें और उनसे जो भी काम करने को कहा जाए वो बिना सोचे समझे चुपचाप कर दें। प्रशिया के तंत्र का लक्ष्य था बड़ी संख्या में कर्मचारियों का उत्पादन। 60 और 70 के दशक में अमेरिका IBM जैसी कंपनियों ने आजीवन रोजगार को नौकरी की सुरक्षा का स्वर्णिम पैमाना बना दिया, लेकिन 1985 के बाद स्वयं IBM भी इस पैमाने पर खरी नहीं उतर पाई। उसके बाद से ठोस और विश्वसनीय कंपनियों में आजीवन करियर बनाने की अवधारणा पूर्णतया धराशायी होती चली गई। GM की जैसी स्थिति है वैसी ही राष्ट्र की स्थिति है। इसके आधी सदी बाद हम देखते हैं कि GM की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका का पतन भी तय है? नहीं, लेकिन एक चीज का पतन तय है, कंपनी की सुरक्षा के मिथक और 40 साल की पेंशन योजना का पतन। उद्यमिता का बुखार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी करना बुरी चीज है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यह आमदनी कमाने का केवल एक तरीका है और यह एक ऐसा तरीका है जो बहुत ज्यादा सीमित है। इस वक्त हो यह रहा है कि लोग अब जागने लगे हैं और ये बात समझने लगे हैं। इन लोगों को जिनमें आप भी शामिल हैं ये एहसास होने लगा है कि वे जीवन में वाकई जो चाहते हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका उद्यमी बनने के मार्ग पर कदम रखना है। और वैसे मैं ही वो एकमात्र व्यक्ति नहीं हूं जिसे ये दिख रहा है। आपने बैंकर टू द पुअर के लेखक मोहम्मद यूनिस का नाम सुना हो या नहीं, लेकिन ओस्लो की नोबेल कमेटी ने उनका यह नाम अच्छी तरह से सुना है। सन 2006 में उन्हें तीसरी दुनिया के देशों के उद्यमियों को छोटे छोटे कर्ज देने की अवधारणा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनिस कहते हैं कि सभी लोग उद्यमी होते हैं, दिक्कत यह है कि कई लोगों को यह जानने का अवसर ही नहीं मिल पाता। उन्होंने ये बात 2007-2008 में अर्थव्यवस्था के धराशायी होने के पहले कही थी। तमाम बुरी आर्थिक खबरों के दौर में आज ज्यादा से ज्यादा लोग उस अवसर को सक्रियता से खोज रहे हैं जिसके बारे में यूनुस ने कहा था। उद्यमिता का बुखार तेजी से चढ़ता जा रहा है क्योंकि जब भी अर्थव्यवस्था मंदी पड़ती है उद्यमिता की सक्रियता बढ़ जाती है। दरअसल बुरे दौर में ही उद्यमी फलते फूलते हैं। कारण यह है कि अनिश्चितता के समय में ही हम आमदनी कमाने के दूसरे तरीकों की तलाश करते हैं।
जब हमें पता चल जाता है कि हम अपनी कंपनी के भरोसे नहीं रह सकते तो हम अपनी परवाह खुद करने लगते हैं। तभी हम ये सोचते हैं कि शायद ये अपने आरामदेह दायरे को तोड़ने और पैसे को कमाने के लिए रचनात्मक होने का समय है। यूएस फेडरल रिजर्व के एक सर्वे से पता चलता है कि उद्यमियों की औसत घरेलू नेटवर्थ पारंपरिक कर्मचारियों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होती है। इसका अर्थ है कि इस बात की 5 गुना ज्यादा संभावना होती है कि इस मंदी से उद्यमियों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके बाद वे पहले से भी ज्यादा सशक्त होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लिया है। एक हालिया सर्वे का निष्कर्ष था कि अधिकांश अमेरिकियों को यह यकीन है कि उद्यमिता ही वर्तमान आर्थिक संकट सुलझाने की कुंजी है। सर्वे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अनुसार, इतिहास ने बार बार दिखाया है कि नई कंपनियों और उद्यमियों की बदौलत ही कमजोर अर्थव्यवस्था सशक्त होती है। कोई मजाक नहीं है जो अधिकांश अमेरिकी इस बात पर यकीन करते हैं। आशा है कि वे अपने सोफे पर पसरना छोड़ देंगे और इस बारे में सचमुच कुछ करेंगे। ये संभव है, हालांकि मैं इस बात की शर्त नहीं लगा पा रहा हूं, लेकिन हाल फिलहाल जिस कमजोर अर्थव्यवस्था को उद्यमिता के जरिए सशक्त होते देखने में मेरी सबसे ज्यादा रुचि है वो आपकी अर्थव्यवस्था है। अधिकांश लोगों के लिए यह मुश्किल आर्थिक दौर हो सकता है, लेकिन कुछ उद्यमियों के लिए जिनका दिमाग इतना खुल चुका है कि वे उस बात को समझ सकते हैं जिसे मैं अगले कुछ अध्यायों में समझाने जा रहा हूं, यह आर्थिक संभावना से भरपूर दौर भी है। न सिर्फ यह खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सही समय है, बल्कि वास्तव में इससे बेहतर समय कभी रहा ही नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि जब यात्रा मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग आगे निकल जाते हैं। अगर ये सच है और ये 100% सच है तो केवल 2 ही प्रश्न रह जाते हैं। पहला, क्या आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है? यदि आपका उत्तर हां है तो दूसरा प्रश्न है कि आप किस राह पर चलें। मैं आपकी ओर से पहले प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे पूरी तरह से मालूम है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। ये पूरी पुस्तक इसी प्रश्न का उत्तर देने के बारे में है। आप कहां रहते हैं? तो आप बरसों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अब भी सीढ़ी के निचले सिरे के करीब हों, या फिर संभवतः शिखर के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गए हों। वैसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप सीढ़ी पर कहां हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न तो वो है जिसे आप सीढ़ी पर चढ़ने के काम में इतनी सारी मेहनत और समय लगाने के पहले पूछना भूल गए। आपकी सीढ़ी रखी कहां है? जैसा स्टीफन आर कवी ने बताया है कि यदि सीढ़ी गलत दीवार से टिकी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर कितनी तेजी से चढ़ते हैं या कितनी ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब होते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य केवल यह है कि आप बस 1 मिनट के लिए सीढ़ी पर चढ़ना छोड़ दें, जिस पायदान पर हों वहीं रुक जाएं और गौर से देखें कि आपकी सीढ़ी कहां रखी है। और जहां यह है, यदि आप उस जगह से खुश नहीं हैं तो यह पता लगाएं कि आप उसे हटाकर किस दीवार से टिकाना चाहते हैं। आप जो पैसा बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? अधिकांश लोग ये मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इस बात से पता चलती है कि वे कितना ज्यादा कमाते हैं या उनके पास कितनी ज्यादा संपत्ति है। क्या इन दोनों का कोई तालमेल? बेशक आर्थिक स्थिति के समीकरण में ये दोनों बातें कुछ हद तक शामिल हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अमीर वो होता है जो हर साल $1 मिलियन से अधिक कमाता है। हर महीने लगभग $83,333 या प्रति सप्ताह लगभग $20,000। और गरीब वो होता है जो साल भर में $25,000 से कम कमाता है। लेकिन इस बात को अनदेखा न करें कि आपकी आमदनी की गुणवत्ता उसकी मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में, सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज्यादा कमाते हैं, बल्कि यह भी है कि आप उसे कैसे कमाते हैं। पैसा आता कहां से है? दरअसल कैश फ्लो के 4 अलग अलग स्रोत होते हैं। हर स्रोत दूसरे स्रोत से बहुत अलग होता है। प्रत्येक स्रोत एक बिल्कुल अलग जीवन शैली को परिभाषित और तय करता है। चाहे आप कितना ही पैसा कमाते हों, रिच डैड पुअर डैड प्रकाशित होने के बाद मैंने आमदनी के इन 4 भिन्न संसारों की व्याख्या करने के लिए एक पुस्तक लिखी थी। कई लोगों का मानना है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट नाम की यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है।
कारण यह है कि ये पुस्तक उन मुद्दों की तह तक जाती है जिन्हें समझना उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन करने को तैयार हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का अर्थ है नकद आमदनी उत्पन्न करने वाले विभिन्न स्रोत। मिसाल के तौर पर एक कर्मचारी नौकरी में किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी के लिए काम करके पैसा कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपने लिए काम करके पैसे कमाते हैं, चाहे वे अकेले काम करें या अपने छोटे से व्यवसाय के माध्यम से। व्यवसाय का मालिक आमदनी प्रदान करने वाली किसी बड़ी कंपनी का स्वामी होता है, जिसकी आम परिभाषा यह है कि उसमें 500 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। निवेशक अपने विभिन्न निवेशों से धन कमाते हैं, दूसरे शब्दों में पैसा और अधिक पैसा उत्पन्न करता है। ई से एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि छोटा व्यापारी, बी से बिजनेसमैन यानी कि व्यवसाय का स्वामी और आई से इन्वेस्टर यानी कि निवेशक। आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? दूसरे शब्दों में अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर आमदनी आपको किस क्वाड्रेंट से प्राप्त होती है? ई क्वाड्रेंट। हम में से अधिकांश लोग ई क्वाड्रेंट के भीतर ही सीखते हैं, जीते हैं, प्रेम करते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। हमारे शिक्षा तंत्र और संस्कृति में शैशव काल से मृत्यु तक हमें यही प्रशिक्षण मिलता है कि हम ई क्वाड्रेंट के भीतर कैसे जिएं। मेरा संसार का कार्यकारी दर्शन वही है जो मुझे मेरे गरीब डैडी यानी कि मेरे वास्तविक पिता ने मुझे सिखाया था और जो बड़े होते समय शायद आपने भी सीखा होगा। स्कूल जाओ, जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और किसी बेहतरीन कंपनी में बढ़िया लाभ देने वाली कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। एस क्वाड्रेंट। कुछ लोग अधिक स्वतंत्रता के इच्छुक होते हैं और अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इस इच्छा से प्रेरित होकर बहुत से लोग ई क्वाड्रेंट को छोड़कर एस क्वाड्रेंट में पलायन कर जाते हैं। यही वो जगह है जहां लोग अपने दम पर कुछ करने और अमेरिकी सपने को साकार करने का निर्णय लेते हैं। एस क्वाड्रेंट में आमदनी के ढेरों जरिए होते हैं। जीवन की शुरुआत कर रहे किशोर फ्रीलांस बेबीसिटर या लैंडस्केपर से लेकर ऊंची आमदनी वाले वकील, परामर्शदाता और सार्वजनिक वक्ता तक सभी लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं। लेकिन आप चाहें $8 प्रति घंटा कमा रहे हों या $80,000 प्रति वर्ष, एस क्वाड्रेंट आमतौर पर एक सुनहरा जाल होता है। नौकरी छोड़ते वक्त शायद आपने सोचा होगा कि आप अपने बॉस के चंगुल से छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हुआ ये कि आपने सिर्फ बॉस बदला है। सही मायनों में आप अब भी कर्मचारी ही हैं। एकमात्र अंतर यह है कि अब जब आप अपनी समस्याओं के लिए अपने बॉस को दोष देना चाहते हैं तो वो बॉस आप स्वयं होते हैं। एस क्वाड्रेंट में जीना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपको कोई धन्यवाद नहीं देता। यहां हर कोई आपको छीलने की कोशिश करता है। सरकार आपको छीलती है, सप्ताह में एक दिन की कमाई आपको कर में देनी पड़ती है, आपके कर्मचारी आपको छीलते हैं, ग्राहक आपको चूना लगाने की कोशिश करते हैं, पर आपका परिवार आपकी आलोचना करता है क्योंकि आप काम से कभी छुट्टी ही नहीं लेते हैं। आप ले भी कैसे सकते हैं? अगर आपने छुट्टी ली तो आपका धंधा मारा जाएगा। आपके पास जरा भी खाली समय नहीं होता क्योंकि अगर आप खाली बैठे तो व्यवसाय में आमदनी नहीं होगी। सच्चे मायनों में ऐस का अर्थ होता है गुलामी। वास्तव में आप अपने व्यवसाय के मालिक नहीं हैं, आपका व्यवसाय आपका मालिक है। बी क्वाड्रेंट वो स्थान है जहां लोग बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करते हैं। एस व्यवसाय और बी व्यवसाय में अंतर यह होता है कि अपने एस व्यवसाय के लिए आप काम करते हैं जबकि आपका बी व्यवसाय आपके लिए काम करता है। मेरे पास कई बी व्यवसाय हैं जिनमें निर्माण, रियल एस्टेट, खनन कंपनियां और कई व्यवसाय शामिल हैं। जो लोग बी क्वाड्रेंट में जीते और काम करते हैं उन पर मंदी का खास असर नहीं होता क्योंकि अपनी आमदनी के स्रोत पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। आई क्वाड्रेंट। ये रॉकेट विज्ञान नहीं है। मेरे अमीर डैडी ने मोनोपोली खेल के जरिए मुझे आई क्वाड्रेंट में जीना सिखाया था और हम सभी जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। चाहे हरे मकान, एक लाल होटल, चार हरे मकान, एक लाल होटल। अब जरा मुझे यह स्पष्ट करने दें कि इन क्वाड्रेंट्स को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपने कितनी बार देखा है कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के बारे में शिकायत करता है फिर वो नौकरी बदल देता है, लेकिन कुछ साल बाद आपको दोबारा वही पुरानी शिकायतें सुनने को मिलती हैं।
मैं काफी समय से कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूं। जब भी मेरी तनख्वाह बढ़ती है, हर बार और खर्च बढ़ जाने के कारण यह बराबर हो जाती है। मैं ये चीज करना चाहूंगा, लेकिन जीवन के इस दौर में दोबारा कॉलेज जाकर कोई नया पेशा नहीं सीख सकता। ये नौकरी घटिया है, मेरा बॉस घटिया है, जीवन घटिया है। ये और इन जैसी दर्जनों अन्य बातें बताती हैं कि व्यक्ति फंसा हुआ है। वैसे दरअसल वो किसी खास नौकरी में नहीं, बल्कि एक खास क्वाड्रेंट के चंगुल में फंसा हुआ है। समस्या ये होती है कि ज्यादातर मौकों पर जब लोग अपने जीवन में सचमुच कोई परिवर्तन करते हैं, तो वे बस अपनी नौकरी बदलते हैं, जबकि उन्हें क्वाड्रेंट बदलना चाहिए था। अधिकांश लोग या तो ई या फिर एस क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। हम यहीं पर बड़े होते हैं और जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हमें बताया जाता है कि अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन आपके ग्रेड से बी क्वाड्रेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बैंकर आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं देखना चाहता है, वो तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहता है। नौकरी के इन पुराने तंत्रों को तोड़ना और अपनी खुद की आमदनी के नए स्रोत उत्पन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप आर्थिक तूफान से मुकाबला करने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी सालाना आमदनी को तय करने के लिए आप किसी बॉस या अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं होते, अब आप इसे खुद तय करते हैं। कम से कम 80% लोग इन्हीं दो क्वाड्रेंट में जीते हैं, खासतौर पर ई क्वाड्रेंट में। हमें सिखाया जाता है कि हमें सुरक्षा यहीं मिलेगी। दूसरी ओर बी और आई क्वाड्रेंट में स्वतंत्रता का वास होता है। यदि आप उस हिस्से में जीना चाहते हैं तो आप इसे संभव बना सकते हैं, लेकिन यदि आप ई और एस वाले हिस्से की तुलनात्मक सुरक्षा चाहते हैं तो मैं यहां जो बताने जा रहा हूं वो शायद आपके लिए नहीं है। ये एक ऐसा निर्णय है जिसे सिर्फ आप ही ले सकते हैं। आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? आप किस क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं? आपके बुनियादी आर्थिक जीवन मूल्य। चार क्वाड्रेंट्स महज चार अलग अलग व्यवसायिक तंत्र ही नहीं है, ये तो चार अलग अलग मानसिकताओं के सूचक हैं। आप अपनी बुनियादी आमदनी किस क्वाड्रेंट से कमाने का चुनाव करते हैं, उसका बाहरी परिस्थितियों, आपकी शिक्षा, प्रशिक्षण, अर्थव्यवस्था या आपके आसपास उपलब्ध अवसरों से बहुत कम संबंध है। इसका ज्यादा संबंध तो इस बात से है कि आप बुनियादी तौर पर कौन हैं, आपकी शक्तियां, कमजोरियां और मूलभूत रुचियां। इसका संबंध तो आपकी बुनियादी आर्थिक जीवन मूल्यों से है। यही बुनियादी भिन्नताएं हमें अलग अलग क्वाड्रेंट्स के प्रति आकर्षित या विकर्षित करती हैं। इसे समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि ई या एस क्वाड्रेंट को छोड़कर बी क्वाड्रेंट में पहुंचना उतना सरल नहीं है जितना कि पोस्ट ऑफिस जाकर अपना पता बदलने का फॉर्म भरना। आप न सिर्फ वो बदलते हैं जो आप करते हैं, बल्कि बहुत ही सच्चे मायने में आप खुद को भी बदलते हैं, या कम से कम अपने सोचने के तरीके को तो बदल ही लेते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को कर्मचारी बने रहना अच्छा लगता हो, लेकिन बाकी लोग इससे नफरत करते हैं। कुछ लोग कंपनियों के मालिक तो बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चलाना नहीं चाहते। कुछ लोगों को निवेश से प्रेम होता है, जबकि दूसरों को इसमें पैसा गंवाने का जोखिम ही जोखिम नजर आता है। हम में से अधिकांश लोगों में ये सभी प्रवृत्तियां कम या अधिक मात्रा में मौजूद रहती हैं। इस बात पर गौर करना भी महत्वपूर्ण है कि आप इन चारों क्वाड्रेंट्स में ही अमीर या गरीब बन सकते हैं। हर क्वाड्रेंट में लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो हर क्वाड्रेंट में दिवालिया हुए हैं। ये बात गांठ बांध लें कि किसी क्वाड्रेंट में रहने भर से ही आपकी आर्थिक सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती। लोगों की बातचीत सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि वे किस क्वाड्रेंट में रहते हैं। जब मैं 9 साल का था तो मैं अपने अमीर डैडी के साथ बैठने लगा था, जब वे कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय उनका इंटरव्यू लेते थे। इन इंटरव्यूज से मैंने ये सीखा कि शब्दों के माध्यम से लोगों के बुनियादी जीवन मूल्यों को कैसे समझा जाए। मेरे अमीर डैडी कहते थे कि वे जीवन मूल्य उनकी आत्माओं से निकलते थे। यहां हर क्वाड्रेंट से निकलने वाले कुछ प्रमुख वाक्य बताए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक के बुनियादी जीवन मूल्य का एक रेखा चित्र भी है। ई क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। मैं एक सुरक्षित नौकरी की तलाश कर रहा हूं जिसमें अच्छी तनख्वाह मिले और उसके अलावा उत्कृष्ट लाभ भी मिलते रहें।
ई क्वाड्रेंट में रहने वाले व्यक्ति का बुनियादी जीवन मूल्य होता है सुरक्षा। हो सकता है कि आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हों और आपको मोटी तनख्वाह मिलती हो, लेकिन इसके बावजूद आपके बुनियादी जीवन मूल्य कंपनी के गेटकीपर जैसे हों, जिसे आपसे 10 गुना कम तनख्वाह मिलती है। ई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति, चाहे वो गेटकीपर हो या प्रेसिडेंट, अक्सर ऐसे शब्द सोचता या कहता है, मैं फायदों वाली किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश कर रहा हूं, या ओवरटाइम के लिए हमें कितना मिलेगा, या हमें कितनी सवैतनिक छुट्टियां मिलेंगी। जब मैं ई क्वाड्रेंट वाले किसी व्यक्ति से बातें करते वक्त कहता हूं कि मुझे व्यवसाय शुरू करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो अक्सर ऐसी टिप्पणियां करता है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें जोखिम नहीं है? हम सभी जीवन को अपने बुनियादी जीवन मूल्यों के चश्मे से देखते हैं। मुझे जो चीज रोमांचक लगती है, हो सकता है कि वो किसी दूसरे को डरावनी लगे। इसीलिए ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों के साथ रहते वक्त मैं आमतौर पर मौसम, खेल या टेलीविजन कार्यक्रमों के बारे में ही बातचीत करता हूं। एस क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें। एस क्वाड्रेंट के लोगों का बुनियादी जीवन मूल्य होता है स्वतंत्रता। वे अपना मनपसंद काम करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नौकरी छोड़कर अपना खुद का काम धंधा शुरू करने जा रहा हूं, तो समझ लीजिए कि वो ई क्वाड्रेंट से एस क्वाड्रेंट की ओर कदम बढ़ा रहा है। एस क्वाड्रेंट में छोटे व्यापारी, किराना दुकानों के मालिक, विशेषज्ञ और परामर्शदाता आते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरा एक मित्र अमीरों के घरों में बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन, फोन सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम लगाता है। अपनी मदद के लिए उसने 3 कर्मचारी रख लिए हैं और वो सिर्फ इन 3 लोगों का बॉस बनकर ही खुश है। वो पक्का और मेहनती एस है। रियल एस्टेट एजेंट्स, बीमा ब्रोकर्स आदि कमीशन पर काम करने वाले सेल्स पीपल्स भी एस क्वाड्रेंट में ही आते हैं। एस क्वाड्रेंट में पेशेवर लोग भी भरे पड़े हैं, जैसे डॉक्टर, वकील और अकाउंटेंट्स, जो किसी बड़ी चिकित्सकीय, कानूनी या अकाउंटिंग कंपनी में काम न करते हों। एस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग अक्सर अपने दिमाग या हाथों के काम पर बहुत गर्व करते हैं। यदि उनका कोई सूत्र वाक्य होता है तो वो ऐसा होता है, कोई भी इसे मुझसे बेहतर तरीके से नहीं करता है, या फिर ये होता है, मेरा तरीका ही सबसे सही है। बहरहाल, स्वतंत्रता के मुखौटे के पीछे आपको प्रायः ये दिखेगा कि व्यवसाय के प्रति उस व्यक्ति की नीति में विश्वास का अभाव है। उसकी यही नीति जीवन के प्रति भी होती है, क्योंकि हम जिस प्रकार अपने व्यवसाय को देखते हैं, उसी से पता चलता है कि हम हर चीज को किस प्रकार देखते हैं। एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को प्रायः कमीशन मिलता है, या फिर किसी काम में लगे समय के आधार पर भुगतान मिलता है। मिसाल के तौर पर, इस क्वाड्रेंट का व्यक्ति इस प्रकार के शब्द कह सकता है, मेरा कमीशन कुल खरीदी के भाव का 6% है, या मेरी फीस $100 प्रति घंटा है, या लागत के अलावा मैं 10% फीस लेता हूं। जब भी मैं ई या एस क्वाड्रेंट के किसी व्यक्ति से मिलता हूं, जिसे बी क्वाड्रेंट में रूपांतरण करने में मुश्किल आ रही होती है, तो मुझे आमतौर पर ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसकी तकनीकी या प्रबंधन योग्यताएं तो बेहतरीन है, लेकिन उसमें नेतृत्व की योग्यता का बहुत अभाव है। मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, यदि आप किसी टीम के लीडर हैं और साथ ही टीम के सबसे स्मार्ट व्यक्ति भी हैं, तो आपकी टीम संकट में है। एस क्वाड्रेंट वाले लोग प्रायः टीमों के साथ ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते, उनमें थोड़े अहम की समस्या भी हो सकती है। एस से बी क्वाड्रेंट में छलांग लगाने के लिए आपको तकनीकी नहीं बल्कि नेतृत्व योग्यताओं में ऊंची छलांग लगाने की जरूरत होती है। जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि असली दुनिया में ए ग्रेड वाले विद्यार्थी प्रायः सी ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं और बी ग्रेड वाले विद्यार्थी सरकार के लिए काम करते हैं। यदि आपने कभी खुद को ये कहते सुना हो कि अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें, या आप खुद ऐसा सोचते हो, तो शायद ये अच्छा समय है कि आप इस जीवन दर्शन का गौर से अवलोकन करें। बी क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। अपनी टीम में शामिल करने के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ लोगों की तलाश कर रहा हूं। बी क्वाड्रेंट के लोगों का बुनियादी जीवन मूल्य होता है दौलत बनाना। जो लोग शून्य से शुरुआत करके बेहतरीन बी क्वाड्रेंट व्यवसाय बनाते हैं,
वे अक्सर प्रबल उद्देश्य वाले होते हैं। वे बेहतरीन टीम तथा उत्कृष्ट टीम वर्क को महत्व देते हैं। वह अधिकाधिक लोगों की सेवा करना चाहते हैं या उनके साथ काम करना चाहते हैं। एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, जबकि बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखना चाहता है जो उनके क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ हों। हेनरी फोर्ड खुद को अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों से घेरे रखते थे। प्रायः एस क्वाड्रेंट वाला व्यवसायी कमरे में मौजूद सबसे स्मार्ट या योग्य व्यक्ति होता है, लेकिन ये बी क्वाड्रेंट वाले व्यवसायी के मामले में सच नहीं होता। जब आप बी क्वाड्रेंट के किसी व्यवसाय के मालिक होते हैं तो आपको अक्सर अपने से ज्यादा चतुर, अनुभवी और सक्षम लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। मेरे अमीर डैडी के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन मैं उन्हें बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स, निवेश सलाहकारों और विशेषज्ञों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करते देखता था, जिनमें से कई के पास बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां होती थी। अपने विभिन्न व्यवसायों के लिए पूंजी जुटाते वक्त उन्हें अक्सर ऐसे लोगों से संपर्क करना पड़ता था जो उनसे कहीं ज्यादा अमीर होते थे। यदि वे सूत्र वाक्य के अनुसार जीते, अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद से करें, तो वे अंततः पूरी तरह असफल हो जाते। जब आमदनी की बात आती है तो सच्चा बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति बीसा साबित होता है। वो अपना व्यवसाय छोड़कर कहीं चला भी जाए तो भी उसे आमदनी होती रहेगी। दूसरी ओर यदि एस क्वाड्रेंट का कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे तो अधिकांश मामलों में उसकी आमदनी भी रुक जाएगी। इसीलिए इसी वक्त आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो इसके बाद भी मुझे कितनी आमदनी होती रहेगी। यदि आपकी आमदनी 6 महीने या उससे कम वक्त में खत्म हो जाती है तो इस बात की संभावना है कि आप ई या एस क्वाड्रेंट में रह रहे हैं। बी या आई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति बरसों तक काम न करे तो भी उसे पैसा मिलता रहेगा। आई क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। निवेश पर मुझे कितना लाभ हो रहा है? आई क्वाड्रेंट के लोग जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वो है आर्थिक स्वतंत्रता। निवेशक को यह विचार पसंद होता है कि उसके बजाय उसका पैसा मेहनत करे। निवेशक कई चीजों में निवेश करते हैं। वे सोने के सिक्कों, जमीन जायदाद, कंपनियों या स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड जैसी कागजी संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। यदि आपकी आमदनी व्यक्तिगत निवेश ज्ञान के बजाय कंपनी या सरकार की पेंशन योजना से होती है तो ये ई क्वाड्रेंट की आमदनी है। दूसरे शब्दों में आपकी बरसों की सेवा के बदले आपका बॉस या कंपनी आपको अब भी भुगतान कर रही है। आई क्वाड्रेंट का निवेशक इस प्रकार की बातें कह सकता है, मुझे अपनी संपत्तियों पर 20% का लाभ हो रहा है, या कंपनी के आर्थिक ब्यौरे दें, या फिर जायदाद पर कितना मेंटेनेंस बाकी है। अलग अलग क्वाड्रेंट, अलग अलग निवेशक। आज के संसार में हम सभी को निवेशक बनना चाहिए। बहरहाल हमारी शिक्षा नीति हमें निवेश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सिखाती। मैं जानता हूं कि कुछ स्कूलों में शेयर चुनना सिखाया जाता है, लेकिन ये निवेश नहीं है, ये तो जुआ है। बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझे बताया था कि ज्यादातर कर्मचारी म्यूचुअल फंड्स या बचत में निवेश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि आप ई या एस या बी में से किसी एक क्वाड्रेंट में सफल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आई क्वाड्रेंट में भी सफल होंगे। डॉक्टर प्रायः सबसे बुरे निवेशक होते हैं। अमीर डैडी ने मुझे यह भी बताया कि अलग अलग क्वाड्रेंट वाले लोग अलग अलग तरीकों से निवेश करते हैं। मिसाल के तौर पर एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं रियल एस्टेट में निवेश नहीं करना चाहता क्योंकि मैं टॉयलेट ठीक करने का इच्छुक नहीं हूं। निवेश की यही चुनौती सामने आने पर बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कह सकता है कि रात को टॉयलेट की मरम्मत कराने के लिए मैं किसी अच्छी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी की सेवाएं ले सकता हूं। दूसरे शब्दों में एस क्वाड्रेंट वाला निवेशक ये सोचेगा कि उसे जायदाद की देखरेख खुद करनी है, जबकि बी क्वाड्रेंट का निवेशक सही देखभाल करवाने के लिए किसी दूसरी कंपनी की सेवाएं लेगा। अलग अलग लोग, अलग अलग मानसिकताएं, अलग अलग क्वाड्रेंट्स, अलग अलग जीवन मूल्य। अब तक आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किस ओर जा रहा हूं। ये दरअसल एक बहुत आसान सी चीज से तय होता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने रहने का स्थान बदलना होगा। इसके लिए आपको किसी नई नौकरी की जरूरत नहीं है।
आपको तो एक नए पते की जरूरत है। यदि आप अपने जीवन और तकदीर पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, यदि आप वास्तविक स्वतंत्रता यानी अपने मन चाहे निशाने लगाने, अपने परिवार के साथ और अकेले समय बिताने, अपने मनपसंद काम करने की स्वतंत्रता चाहते हैं, अगर आप ऐसा जीवन, जोश भरा, रोमांचपूर्ण और संतुष्टि भरा जीवन जीना चाहते हैं जिसके लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है, यानी संक्षेप में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अमीरों जैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरी जगह पर चले जाएं। अब समय आ गया है कि आप ई और एस क्वाड्रेंट से निकलकर बी और आई क्वाड्रेंट्स की ओर पहुंच जाएं। उद्यमी की मानसिकता। कॉलेज पूरा करने के बाद मैंने एमबीए करने के लिए एक पारंपरिक बिजनेस स्कूल में नाम लिखा लिया ताकि मैं एक प्रशिक्षित और शिक्षित उद्यमी बन सकूं। बहरहाल 9 महीनों बाद ही मैंने बिजनेस स्कूल छोड़ दिया। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वहां से निकलते समय मुझे एमबीए की डिग्री नहीं मिली। आजकल बिजनेस स्कूल्स मुझे अक्सर उद्यमिता की कक्षाओं में विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करने लगे हैं। मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि कई बार मुझे ये बड़ा अजीब लगता है। ये विद्यार्थी मुझसे जो आम सवाल पूछते हैं वे इस प्रकार के होते हैं, मुझे निवेशक कहां मिलेंगे और मैं पूंजी कैसे इकट्ठा करूंगा। मैं ऐसे सवालों को बखूबी समझता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे तब बहुत सताया था जब मैं पारंपरिक नौकरी की सुरक्षा छोड़कर खुद उद्यमी बना था। मेरे पास पैसा नहीं था और कोई भी मेरे व्यवसाय में निवेश नहीं करना चाहता था। बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म्स मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही थी। तो मैं बिजनेस स्कूल के इन विद्यार्थियों को क्या जवाब देता हूं? मैं उनसे कहता हूं, आप बस इसे कर देते हैं। आप इसे इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ये करना ही होता है, और यदि आप इसे नहीं करते हैं तो व्यवसाय से बाहर हो जाते हैं। आज हालांकि मेरे पास पर्याप्त धन है, लेकिन मैं सिर्फ पूंजी जुटाता हूं। किसी उद्यमी के लिए यह पहला नंबर काम है। हम 3 समूहों से पूंजी जुटाते हैं, ग्राहक, निवेशक और कर्मचारी। उद्यमी के रूप में आपका काम ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए प्रेरित करना है। यदि आपको ग्राहक मिल सके जो आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के एवज में आपको पैसा दें, तो आपके निवेशक आपको बहुत सारे पैसे देंगे। और यदि आपके पास कर्मचारी हो तो आपका काम उन्हें दी जाने वाली तनख्वाह से कम 10 गुना अधिक उत्पादन करवाना है। यदि आप अपने कर्मचारियों से उनकी तनख्वाह का 10 गुना उत्पादन नहीं करवा सकते, तो आप व्यवसाय से बाहर हो जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको पूंजी जुटाने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। ये वो जवाब नहीं है जिसकी ज्यादातर एमबीए विद्यार्थियों को तलाश होती है। अधिकांश तो किसी जादुई फॉर्मूले, किसी गोपनीय नुस्खे या अमीर बनने की फटाफट व्यवसायिक योजना की तलाश करते हैं। मेरे जवाब की उम्मीद तो शायद उनके शिक्षकों को भी नहीं होती, क्योंकि जब मैं ये बात बोलता हूं तो वे कसमसा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही वे उद्यमिता सिखाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश खुद उद्यमी नहीं होते। उनके पास तो स्थायी तनख्वाह वाली नौकरी होती है और वे लंबे समय तक वहीं काम करने की उम्मीद करते हैं। मेरा मूल मुद्दा यह नहीं है कि हर व्यवसाय में आपको पूंजी जुटानी पड़ती है। वास्तव में जिस बिजनेस मॉडल के बारे में मैं आपको इस पुस्तक में बताने वाला हूं, उसमें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी जुटाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये काम तो आपके लिए कोई दूसरा पहले ही कर चुका है। लेकिन आपको अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करना पड़ता है। मेरा मूल मुद्दा यह है कि उद्यमी की इस परिभाषा पर गौर करें। चीजें आप घटित करवाते हैं, आप यात्रियों की कतार से बाहर निकलते हैं, बस के अगले हिस्से तक चलकर जाते हैं और अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। उद्यमी बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? उद्यमी ही संसार के सबसे अमीर लोग होते हैं। हम कुछ मशहूर उद्यमियों के नाम जानते हैं, जैसे रिचर्ड ब्रांसन और डोनाल्ड ट्रंप, ओपरा विनफ्री और स्टीव जॉब्स, रूपर्ट मर्डॉक और टेड टर्नर। लेकिन सबसे दौलतमंद उद्यमी वे लोग हैं जिनके बारे में आपने और मैंने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं।
वे शांति से अपना अमीर जीवन जीते रहते हैं। मैंने अक्सर लोगों को बहस करते सुना है कि उद्यमी पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि खास लोग ही उद्यमी बन सकते हैं, इसके लिए किसी जादुई चीज की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से उद्यमी बनना इतना बड़ा मामला नहीं है, आप बस इसे कर देते हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे इलाके में एक किशोरी है जिसका बेबी सिटिंग का व्यवसाय फल फूल रहा है। उसने जूनियर हाई स्कूल की अपनी सहपाठियों को इस काम के लिए नियुक्त कर रखा है। वो एक उद्यमी है। एक और लड़का स्कूल के बाद छुटपुट कामों का व्यवसाय करता है। वो एक उद्यमी है। अधिकांश बच्चों के मन में डर नहीं होता, जबकि अधिकांश वयस्कों के मन में डर के सिवाय कुछ नहीं होता। आज ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर उद्यमी बनने और खुद का व्यवसाय चलाने के सपने देखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोगों का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है, हकीकत नहीं बन पाता। तो सवाल यह है कि इतने सारे लोग उद्यमी बनने के अपने सपने को साकार करने में असफल क्यों हो जाते हैं? मेरा एक मित्र बेहतरीन हेयर स्टाइलिस्ट है। महिलाओं को सुंदर बनाने के मामले में वो जादूगर है। बरसों से वो अपना खुद का सैलून खोलने की बातें कर रहा है। उसके पास बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि वो अब भी अपने छोटे पैमाने पर ही काम कर रहा है। वो एक बड़े सैलून में एक कुर्सी पर काम करता है और सैलून के मालिक से नोकझोंक करता रहता है। मेरे एक और मित्र की पत्नी है जो फ्लाइट अटेंडेंट का काम करते करते उकता गई। 2 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी और हेयर स्टाइलिस्ट बनने का प्रशिक्षण लिया। 1 महीने पहले उसने अपने सैलून का भव्य उद्घाटन किया। वहां का माहौल बेहतरीन है और उसने वहां काम करने के लिए कुछ सबसे अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट को आकर्षित कर लिया है। जब मेरे पहले मित्र ने उस महिला के सैलून के बारे में सुना तो वो बोला, वो सैलून कैसे खोल सकती है? उसके पास तो कोई योग्यता ही नहीं है, उसके पास इतनी प्रतिभा ही नहीं है। उसने न्यूयॉर्क में प्रशिक्षण नहीं लिया जहां मैंने लिया था, और इसके अलावा उसके पास नाम मात्र का भी अनुभव नहीं है। देखना, वो 1 साल में ही असफल हो जाएगी। हो सकता है कि वो महिला असफल हो जाए। आंकड़े बताते हैं कि 90% व्यवसाय पहले 5 सालों में नाकाम हो जाते हैं। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि वो असफल ना हो। मुद्दे की बात यह है कि वो अपना मनचाहा काम कर रही है। उसने ये समझ लिया है कि साहस में हमारे जीवन को आकार देने की प्रबल शक्ति होती है। अपनी प्रतिभा को खोजने, विकसित करने और संसार को देने के लिए साहस की जरूरत होती है। अमेरिका के जो लोग $3 मिलियन से ज्यादा की लॉटरी जीतते हैं, उनमें से 80% 3 साल के भीतर ही दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसे से ही आप अमीर नहीं बनते हैं। ये लोग अपने चेकिंग अकाउंट्स के आंकड़े जोड़ सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ आंकड़ों से तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक कि वे अपने सोचने के तरीके को न बदल लें। आपका मस्तिष्क असीमित है। ये तो आपकी शंकाएं हैं जो आपको सीमित कर रही हैं। एटलस श्रग्ड की लेखिका आयन रैंड ने कहा था, दौलत किसी मनुष्य के सोचने की क्षमता का परिणाम है। इसलिए यदि आप अपना जीवन बदलने को तैयार हों, तो मैं आपका परिचय एक ऐसे माहौल से करवाने जा रहा हूं जो आपके मस्तिष्क को सोचने और आपको ज्यादा अमीर बनने का अवसर प्रदान करेगा। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? जब मैं बच्चा था तो मेरे वास्तविक डैडी अक्सर मुझे स्कूल जाने और अच्छे ग्रेड लाने की सलाह देते थे ताकि मुझे नौकरी मिल सके। वे मेरी प्रोग्रामिंग ई क्वाड्रेंट के लिए कर रहे थे। दूसरी ओर मेरी मां मुझे डॉक्टर या वकील बनने के लिए प्रेरित करती थी। वे कहती थी कि इस तरह तुम्हारे पास हमेशा एक पेशा रहेगा और तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। वे मेरी प्रोग्रामिंग एस क्वाड्रेंट के लिए कर रही थी। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि अगर आगे चलकर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो मुझे व्यवसायी और निवेशक बनना चाहिए। वे मेरी प्रोग्रामिंग बी और आई क्वाड्रेंट्स के लिए कर रहे थे। जब मैं वियतनाम से लौटा तो मुझे यह तय करना था कि मैं किसकी सलाह मानूं। आपके सामने भी यही विकल्प है। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो इसका एक कारण है, अपनी गरिमा को वापस पाना। इसके महत्व को कम ना आंकें। यह दुनिया सताने वालों और छोटी मानसिकता के लोगों से भरी पड़ी है। चाहे वो आपके बॉस हों, मैनेजर हों, पड़ोसी हों या मित्र हों, आप ये नहीं चाहते हैं कि वे आपको अपने इशारों पर नचाएं।
आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। आप इतने साहसी बनना चाहते हैं कि आपको दूसरे लोगों के इशारों पर नाचने या काम करने की जरूरत ही ना रहे। आप अपने लिए सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। रेसिंग वाला मस्तिष्क। अब आइए वही सवाल दोबारा पूछते हैं, आप कहां रहते हैं? अब आप समझ गए होंगे कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट को छोड़कर दूसरे कैश फ्लो क्वाड्रेंट में पहुंचने का क्या अर्थ होता है। ये एक भिन्न तंत्र ही नहीं है, ये तो जीवन के प्रति एक भिन्न नीति है। हां, यह व्यवसाय के बारे में है, लेकिन दरअसल यह व्यवसाय के बारे में नहीं है, यह तो केवल बाहरी रूप है। घोड़े पालने वाले किसी व्यक्ति को रेसिंग कार के स्टीयरिंग व्हील पर बैठा भर देने से वो रेसिंग कार ड्राइवर नहीं बन जाता। इसके लिए उसे रेसिंग कार ड्राइवर की योग्यताओं, प्रशिक्षण और सबसे महत्वपूर्ण बात, मानसिकता की जरूरत होती है। यही आपके आर्थिक जीवन के बारे में भी सच है। आपको उद्यमी की मानसिकता अपनाने की जरूरत है। सार रूप में वो मानसिकता ये है, उद्यमी स्वयं तय करता है, आप चीजों को घटित करवाते हैं, जिसका मतलब यह है कि अपने अलावा आप किसी व्यक्ति या किसी चीज को दोष नहीं देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको शून्य से ही सारा काम करना होगा, जैसा मैंने अपने व्यवसायों में किया था। नहीं, 21वीं सदी के व्यवसाय की एक सुंदरता यह है कि उस व्यवसाय का सारा जमीनी काम दूसरे लोग आपकी खातिर पहले ही कर चुके हैं, और आपकी मदद के लिए अनुभवी लीडर्स रहते हैं जो आपको मार्गदर्शन देने और सफल बनाने के लिए समर्पित होते हैं। लेकिन यह समझने में कोई गलती ना करें, यदि आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप पर है। ये आप ही होंगे जो खुद को कामयाब बनाएंगे, और इसके लिए आपको उद्यमी की मानसिकता रखनी होगी। अगर आप में उद्यमी की मानसिकता नहीं है तो व्यवसाय कितना भी अच्छा हो या आपके शिक्षक कितने ही महान हो, उस व्यवसाय में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस पुस्तक के खंड 2 में हम जिस बिजनेस मॉडल को देखेंगे वो एक रेसिंग कार है, लेकिन उसके स्टीयरिंग व्हील के पीछे आप बैठे हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह आपके बारे में है, क्या आप स्टीयरिंग व्हील को संभालने के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास वो सब है जिसकी जरूरत है? ये बागडोर थामने का समय है। सन 1985 की बात है कि मैं और मेरी पत्नी किम बेघर थी। हम बेरोजगार थे और बचत के नाम पे हमारे पास नाम मात्र का पैसा था। हमारे क्रेडिट कार्ड्स की सीमा खत्म हो चुकी थी और हम एक पुरानी भूरी टोयोटा में रहते थे, जिसकी झुकने वाली सीट्स हमारे लिए बिस्तर का काम करती थी। कार में सोने के एक सप्ताह बाद ये कठोर वास्तविकता हमें चुभने लगी कि हम कौन थे, क्या कर रहे थे और किस दिशा में जा रहे थे। जब एक दिन एक मित्र को हमारी दुर्दशा का पता चला तो उसने हमें अपने बेसमेंट में एक कमरा दे दिया। जब मित्रों और परिवार वालों को हमारी हालत के बारे में बताया गया तो उनका पहला सवाल हमेशा यही होता था, तुम लोग कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? पहले पहल हमने कोशिश की, लेकिन हमारे शुभ चिंतकों को अपने तर्क समझाने में हमें काफी मुश्किलें आईं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो नौकरी को महत्व देता हो, तो उसे यह समझाना मुश्किल होता है कि आप नौकरी क्यों नहीं करना चाहते। हम कभी कभार यहां वहां काम करके कुछ डॉलर कमा लेते थे, लेकिन हम वे काम सिर्फ इसलिए करते थे ताकि हमारे पेट में भोजन रहे और हमारे घर यानी हमारी कार में गैस रहे। मुझे स्वीकार करना होगा कि गहरे व्यक्तिगत संचय के पलों में तनख्वाह वाली सुरक्षित नौकरी का विचार बहुत आकर्षक लग रहा था, लेकिन चूंकि हम लोग नौकरी की सुरक्षा तलाश नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लगे रहे और आर्थिक खाई की कगार पर हम एक एक दिन करके जीते रहे। हम जानते थे कि हम जब चाहेंगे हमें एक सुरक्षित और ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सकती है। हम दोनों ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, हम में नौकरी की अच्छी योग्यताएं थीं और हमारी कार्यनीति ठोस थी, लेकिन हम नौकरी की सुरक्षा नहीं चाहते थे, हम तो आर्थिक स्वतंत्रता चाहते थे। 1989 तक हम मिलेनियर बन गए। मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूं कि पैसे बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है,
ये सरासर बकवास है। बेघर से मिलियनेयर बनने की हमारी यात्रा में 4 वर्ष का समय लगा था तथा इसके बाद असली आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचने में हमें 5 साल और लगे, लेकिन इसमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास जरा भी पैसा नहीं था। वास्तव में हम कर्ज में थे और रास्ते में किसी ने भी हमें कुछ नहीं दिया। इसमें अच्छी औपचारिक शिक्षा की जरूरत भी नहीं पड़ती। कॉलेज की शिक्षा पारंपरिक पेशों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दौलतमंद बनने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर पैसा बनाने में पैसों की जरूरत नहीं पड़ती और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनना सीखने में औपचारिक शिक्षा की जरूरत भी नहीं होती है, तो फिर किस चीज की जरूरत होती है? दरअसल इसमें एक सपने की जरूरत होती है, बहुत से संकल्प की जरूरत होती है, फटाफट सीखने की इच्छा की जरूरत होती है और इस बात की समझ की भी जरूरत होती है कि आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस खंड में रहकर काम कर रहे हैं। कड़ी मेहनत से आप अमीर नहीं बनेंगे। हमारी संस्कृति में एक अजीब सा विचार है जो कहता है कि यदि आप सचमुच कड़ी मेहनत करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। बकवास। दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोगों की ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें यकीन दिला दिया गया है, हालांकि इसके विरोध में ढेर सारे प्रमाण हम सभी के आसपास भरे पड़े हैं। कौन से प्रमाण? बस अपने चारों ओर नजर डालें। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जीवन भर सचमुच कड़ी मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद अंत में उसका जीवन गरीबी रेखा के अपमान और हताशा से बस थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे रह जाता है? जाहिर है आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद निश्चित रूप से उनकी हालत ठीक नहीं है। और शायद सबसे बुरा हिस्सा यह है कि इनमें से कई दुर्भाग्यशाली लोग इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि उनकी गलती या व्यक्तिगत अक्षमता के कारण ही ऐसा हुआ। उन्होंने सभी सही चीजें की, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अगर वे कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब शायद ये है कि उन्होंने पर्याप्त कड़ी मेहनत नहीं की या उन्हें किस्मत ने अवसर ही नहीं दिए। शायद वे सफलता के लिए बने ही नहीं थे। बकवास। समस्या ये है कि कड़ी मेहनत का मिथक सिर्फ यही है, एक मिथक, एक भ्रम। देखिए, मुझे गलत न समझें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दौलत बनाने और आर्थिक स्वतंत्रता पाने में कड़ी मेहनत नहीं लगती है। लगती है और बहुत ज्यादा लगती है। मुझे उम्मीद है कि आप इतने नादान नहीं हैं कि उन मूर्खों की बातों पर यकीन कर लें जो आपसे कहते हैं कि वे आपको दौलत पाने का ऐसा तरीका बता सकते हैं जो आसान है, तुरंत कामयाब हो जाता है या उसमें जरा भी मेहनत नहीं लगती। क्योंकि यदि आप इतने नादान हैं तो मैं एक ऐसे पुल के बारे में जानता हूं जिसे आप सचमुच सस्ते में खरीद सकते हैं, और सब प्राइम मॉर्टगेज या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स का पूरा तंत्र आपके लिए बिल्कुल सही हो सकता है। नहीं, इसमें कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। असल सवाल यह है कि आप किस काम में कड़ी मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि आप कह रहे होंगे कि किस काम में? जाहिर है पैसा बनाने में। लेकिन इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक सोच की इस दुखद भूल के पीछे ये कठोर सच्चाई छिपी है। पैसे बनाने में कड़ी मेहनत करने से दौलत कभी नहीं बन पाएगी। जो लोग आमदनी के लिए काम करते हैं वे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन पर ज्यादा कर लगता चला जाता है। पैसे बनाने में कड़ी मेहनत करने के बारे में भूल जाएं। इससे तो सिर्फ ये होगा कि आप उसे खर्च कर देंगे और इसके बाद आपको दोबारा कड़ी मेहनत करनी होगी। आप ये पूछ सकते हैं, ठीक है तो मैं क्या करूं? आप नियंत्रण अपने हाथों में लें। किस चीज का नियंत्रण? देखिए, चाहे आप कितनी ही कड़ी कोशिश कर लें, आप जीवन की ज्यादातर चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप कर्मचारियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर आप किसे नियंत्रित कर सकते हैं? दरअसल आप अपनी आमदनी के स्रोत को नियंत्रित कर सकते हैं। समस्या। व्यवसाय खड़ा करना ही वो तरीका है जिससे अधिकांश बहुत अमीर लोग अमीर बने हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। माइकल डेल ने अपनी डॉर्मेट्री के कमरे में डेल कंप्यूटर्स की स्थापना की।
बहरहाल बी क्वाड्रेंट में सचमुच जीने वालों की संख्या ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बहुत कम रही है। सच्ची दौलत उत्पन्न करने के लिए यह क्वाड्रेंट सबसे अच्छी जगह है, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए कुछ अवरोधों को पार करना होता है, जिनकी वजह से अधिकांश लोग बाहर ही रह जाते हैं। एक बात तो यह है कि अधिकांश लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता जिसकी जरूरत उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए होती है। आज की तारीख में अपना व्यवसाय शुरू करने में औसतन $5 मिलियन का खर्च आता है। दूसरी बात यह है कि शून्य से व्यवसाय खड़ा करना अमीर बनने के सबसे जोखिम भरे तरीकों में से एक है। लगभग 90% व्यवसाय पहले 5 वर्षों में ही असफल हो जाते हैं, और अगर आपका नया व्यवसाय असफल हो जाता है तो जरा अंदाजा लगाएं कि $5 मिलियन किसके डूबेंगे। व्यवसाय करने के मेरे शुरुआती वर्षों में मैं 2 बार असफल हुआ। हालांकि मैं कभी दिवालिया नहीं हुआ और मुझे कभी कोई शासकीय सहायता भी नहीं मिली, लेकिन इसमें मेरे कई $1 मिलियन डूब गए। आमतौर पर जब आप खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि जगह के किराए, बिजली पानी के बिलों और बाकी जरूरी खर्चों का भुगतान हो, आपके कर्मचारियों को भुगतान हो और आपके सप्लायर्स को भुगतान हो, वरना आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। अब जरा अंदाजा लगाएं कि भुगतान किसे नहीं मिलता है। आपको जब आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, और यहां मैं एक सफल व्यवसाय के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको 5 से 10 साल तक बिना भुगतान के काम करना पड़ सकता है। किम और मेरी कहानी को याद करें जो अपनी पुरानी टोयोटा में सो रहे थे। ये मजेदार नहीं था। हम नौकरी कर सकते थे जिससे तत्काल हमारे सिर के ऊपर छत मुहैया हो सकती थी, लेकिन यह चाहे जितना दुखद रहा हो, हमने नौकरी करने के बजाय बेघर रहने का विकल्प चुना, क्योंकि हमें व्यवसाय का स्वामी बनने और बी क्वाड्रेंट में रहने के अपने सपने पर पूरा यकीन था। अधिकांश लोगों में इन परिस्थितियों से मुकाबला करने का मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक या आर्थिक जीवट नहीं होता। यह निर्मम हो सकता है और आमतौर पर होता भी है। एक फ्रेंचाइजी ले लें तो फ्रेंचाइजी लेने से जोखिम बहुत कम हो जाता है। मैकडॉनल्ड्स या सबवे जैसा प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी होने पर आपकी सफलता की संभावना काफी अच्छी हो जाती है और ज्यादातर जमीनी काम बना बनाया मिल जाता है, लेकिन आप अब भी सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या पर अटक जाते हैं। ऐसी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको नगद पैसे देने पड़ते हैं। किसी प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी को खरीदने की लागत $1,00,000 से लेकर $15,00,000 या इससे ज्यादा भी हो सकती है, और यह तो सिर्फ फ्रेंचाइजी के अधिकार खरीदने का खर्च है। इसके बाद आपको प्रशिक्षण, विज्ञापन और समर्थन के लिए मुख्यालय को जो मासिक भुगतान करना होता है वो अलग होता है, और इस सारे समर्थन के बावजूद सचमुच दौलतमंद बन जाने की कोई गारंटी नहीं है। कई बार तो फ्रेंचाइजी घाटे में चलने के बावजूद फ्रेंचाइजी मालिक या मुख्यालय को भुगतान भेजना होता है, भले ही आप उन लोगों में हो जिनका फ्रेंचाइजी सफल हो जाता है, लेकिन इस बात की काफी संभावना है कि पहले कुछ सालों में आप खुद खास पैसे नहीं कमा पाएंगे। और यह भी याद रखें कि 3 में से 1 फ्रेंचाइजी अंततः डूब जाती है। जब मेरे गरीब डैडी 50 साल के थे तो उन्होंने हवाई के राज्यपाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का दुस्साहस किया, और वे जिसके खिलाफ लड़ रहे थे वो कोई और नहीं, उनके तात्कालीन बॉस ही थे। इसके बाद क्या हुआ आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। गरीब डैडी न सिर्फ चुनाव हार गए बल्कि उनके बॉस ने उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया और साफ शब्दों में बता दिया कि वे दोबारा कभी हवाई में नौकरी नहीं कर पाएंगे। डैडी ने अपनी सारी बचत बटोर कर एक लोकप्रिय फ्रेंचाइजी को खरीद लिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह फ्रेंचाइजी कभी नहीं डूब सकती। जो फ्रेंचाइजी कभी नहीं डूब सकती थी वो डूब गई, और साथ में मेरे डैडी भी। दरअसल उनका सब कुछ डूब गया। सिद्धांततः फ्रेंचाइजी का विचार बेहतरीन है, लेकिन वास्तव में ये एक जुआ है, और ये एक ऐसा जुआ है जिसमें आपको टेबल पर पहुंचने और खेलने का अवसर पाने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। निष्क्रिय आमदनी की शक्ति। क्या आपने कभी पानी के उन स्प्रिंग वाले नलों का उपयोग किया है जो कुछ सार्वजनिक रेस्ट रूम्स में पानी बचाने के लिए लगाए जाते हैं? जब आप पानी चालू करते हैं तो आपको बटन दबाए रखना पड़ता है, क्योंकि बटन छोड़ते ही पानी भी बंद हो जाता है।
अधिकांश लोगों की आमदनी का स्रोत उसी नल जैसा होता है। आपके पास थोड़ा पैसा बहकर आता है और जैसे ही आप काम करना छोड़ते हैं ये बंद हो जाता है। इस तरह आप आर्थिक दृष्टि से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आपको तो पैसे का ऐसा नल चाहिए जिसे आप एक बार चालू करने के बाद खुला छोड़ दें और फिर ही अपने आप चलता रहे। ये आज, कल और अगले सप्ताह आमदनी पाने के बारे में ही नहीं है, ये तो अनंत काल तक अपनी आमदनी सुरक्षित करने के बारे में है। यह निष्क्रिय आमदनी है जिसे रेजिड्यूअल इनकम कहा जाता है, यानी ऐसी आमदनी जो बार बार आती रहती है। आपके मेहनत करने और आमदनी के उस स्रोत में आवश्यक पूंजी लगाने के लंबे समय बाद भी खुद को बी क्वाड्रेंट में पहुंचाना इस दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। लेकिन सारे व्यवसायों में निष्क्रिय आमदनी नहीं मिलती। यदि आप किसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं तो आपको आमदनी तभी होगी जब आप खाना बनाएंगे और बेचेंगे। यदि आप एयर कंडीशनर्स की मरम्मत करने के व्यवसाय में हैं तो आपको आमदनी तभी होगी जब आप वो सेवा प्रदान करेंगे। यहां तक कि ऊंची आमदनी वाले डॉक्टर और वकील भी सिर्फ पैसा तभी कमाते हैं जब वे रोगियों या मुवक्किलों से मिलते हैं। यदि किसी रोगी या मुवक्किल को किसी विशेष सप्ताह में उनके ज्ञान या सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तो उनकी आमदनी का नल बंद हो जाता है और उस सप्ताह उसमें कोई पैसा नहीं आता है। अधिकांश लोगों को निष्क्रिय आमदनी उत्पन्न करने वाले मार्ग की जरूरत होती है। इसी उद्देश्य से डोनाल्ड ट्रंप और मैंने मिलकर कई प्रकार के व्यवसायिक तंत्रों का मूल्यांकन किया जिनसे निष्क्रिय आमदनी उत्पन्न हो सकती है। हमने अपने परिणाम वी वॉन्ट यू टू बी रिच पुस्तक में प्रकाशित किए। पर वैसे ये सिर्फ हमारी पुस्तक का शीर्षक ही नहीं है, हम आपको सचमुच अमीर बनाना चाहते हैं। दौलत समय धन का खेल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अमीर बन गए तो आप मुझसे या डोनाल्ड से या किसी और से कुछ ले लेंगे। दरअसल हम जिस संसार में रह रहे हैं वो अद्भुत और प्रचुर है। यहां पर्याप्त से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा, सामग्री, चतुराई, रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा मौजूद है जिससे इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति दौलतमंद बन सकता है। तो हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि एक बिजनेस मॉडल बाकी से अलग हटकर दिखता है। ये विशेष बिजनेस मॉडल निष्क्रिय आमदनी प्रदान करता है, साथ ही इसे शुरू करने की लागत तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है। इसमें दीगर खर्च भी बहुत कम होते हैं और इसे अपनी सुविधा के हिसाब से पार्ट टाइम भी किया जा सकता है जब तक कि इससे उद्यमी को पर्याप्त कैश फ्लो न मिलने लगे और वो अपनी वर्तमान पूर्णकालिक नौकरी को छोड़ने की स्थिति में न आ जाए। इस बिजनेस मॉडल का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी की पुस्तक इसी के बारे में है। एक व्यवसाय दौलत बनाने वाली 8 संपत्तियां, 8 कारण जिनकी बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। व्यवसाय में मेरे वर्ष। शुरुआत में ही मैं स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में कभी नहीं रहा हूं। मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मालिक या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता और न ही मैं किसी विशेष कंपनी का प्रचार प्रसार करता हूं। लेकिन मैं बरसों से इस पूरे व्यवसाय का प्रबल समर्थन करता आ रहा हूं और मैं इस अध्याय में आपको इसका कारण बताना चाहता हूं। 1975 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से पहला संपर्क हुआ जब एक मित्र ने मुझे एक नए व्यवसायिक अवसर की प्रस्तुति में आमंत्रित किया। क्योंकि मुझे व्यवसायिक और निवेश अवसरों की जांच करते रहने की आदत है इसलिए मैं जाने के लिए राजी हो गया। हालांकि मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि वो व्यवसायिक बैठक किसी ऑफिस के बजाय किसी के घर पर हो रही थी। मैंने 3 घंटे तक प्रस्तुति में बताई गई बातें सुनी। उसने नौकरी करने के बजाय खुद का व्यवसाय खड़ा करने का महत्व अच्छी तरह बताया। मैं उसकी बताई अधिकांश बातों से सहमत था। प्रस्तुति खत्म होने के बाद मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि इन बातों के बारे में मेरे क्या विचार हैं। मैंने जवाब दिया, ये रोचक है लेकिन मेरे काम का नहीं है। मैं पहले अपने व्यवसाय को खड़ा करने की प्रक्रिया में पूरी तरह से सक्रिय था, तो फिर दूसरे लोगों के साथ व्यवसाय खड़ा करने की क्या जरूरत थी? और इसके अलावा ये नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय था। मुझे दरअसल जरा भी पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसका मतलब जानता हूं और मुझे यकीन था कि इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा।
मैंने अपने दो मित्रों के साथ मिलकर जो स्पोर्ट्स वॉलेट बिजनेस शुरू किया था वो मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग के बाद जल्दी कामयाब हो गया था। मेरी 2 साल की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। मेरे दोनों पार्टनर्स और मुझ पर सफलता, शोहरत और दौलत की बारिश होने लगी। हमने कसम खाई थी कि हम में से प्रत्येक 30 साल की उम्र तक मिलेनियर बन जाएगा और अपनी कड़ी मेहनत तथा त्याग की बदौलत हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। ये 1970 के दशक की बात थी जब $1 मिलियन सचमुच बड़ी रकम होती थी। हमारी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में सर्फर, रनर्स वर्ल्ड तथा जेंटलमैन्स क्वार्टरली जैसी पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हुए। हम खेलों के सामान की दुनिया में नई धमाकेदार चीजें लाए थे और उस प्रोडक्ट की मांग पूरी दुनिया में होने लगी। हम पूरी तरह सफल हो चुके थे। इसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, कम से कम अगले दशक तक नहीं। मस्तिष्क का खुलना। बाद के वर्षों में मेरा दिमाग खुलने लगा। मेरा जो वॉलेट व्यवसाय अविश्वसनीय रूप से सफल हुआ था वो चंद सालों बाद डूब गया। ये काफी विनम्र बनाने वाला अनुभव था और बहुत सकारात्मक भी, क्योंकि इसकी बदौलत मैंने अपने आसपास के संसार को ज्यादा गौर से देखा तथा सवाल पूछे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो बातें सिखाई थीं वे ज्यादा गहराई से मेरे दिल में उतरने लगी और मेरा दृष्टिकोण व्यापक होने लगा। मुझे दूसरा सफल व्यवसाय बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा, फिर एक और, लेकिन उस पहले व्यवसाय के विपरीत इनमें से कोई भी नहीं डूबा, बल्कि लगातार सफल होते रहे। उन वर्षों के दौरान मेरे मन में खुद अमीर बनने का विचार बहुत प्रबल था, लेकिन इसके साथ ही मैं अमीर बनने में दूसरों की मदद करने के विचार से भी आकर्षित हुआ। मुझे एहसास हुआ कि हालांकि व्यक्तिगत सफलता से संतोष मिलता है, लेकिन जब आप सफल होने में दूसरों की मदद करते हैं तो कहीं ज्यादा संतोष मिलता है। अगले 15 वर्षों तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नकारात्मक बातें सुनता रहा, ज्यादातर मामलों में अपनी जान पहचान के लोगों से। आखिरकार मैंने खुद इस व्यवसाय की पड़ताल करने का निर्णय लिया। 1990 के दशक की शुरुआत में बिल नामक एक मित्र से मेरी मुलाकात हुई जो रिटायर्ड मल्टी मिलियनेयर था। हम बातचीत करने लगे और मुझे यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। बिल बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि और बेहद व्यवहारिक इंसान है। मैं जानता था कि उसने कुछ समय पहले ही $1 अरब से अधिक के कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे। मैंने उससे पूछा कि आखिर वो नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों जुड़ा, उसे इसकी क्या जरूरत थी। उसने बताया, बरसों से लोग मुझे रियल एस्टेट में निवेश करने की सलाह मांग रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या वे मेरे साथ निवेश कर सकते हैं। देखिए, वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास $50,000 या $1,00,000 नहीं होते, जो मेरे स्तर के रियल एस्टेट निवेशों के लिए जरूरी होते हैं। वास्तव में उनमें से कई के पास तो बिल्कुल पैसा नहीं होता। कुछ तो दिवालियेपन के सिर्फ 2 तनख्वाह दूर होते हैं, इसीलिए वो उन सस्ते बिना डाउन पेमेंट वाले सौदों की तलाश करते हैं जो अक्सर बहुत बुरे निवेश होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए मैं वास्तव में उतना पैसा बनाने में लोगों की मदद कर सकता हूं जिससे वे रियल एस्टेट में गंभीर निवेश कर सकते हैं। मैं जितने ज्यादा लोगों की मदद करता हूं मेरे पास उतने ही ज्यादा निवेशक होते हैं, उसने आगे कहा। इसके अलावा मुझे दरअसल ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है जिनमें सीखने और विकास करने की भूख होती है। दूसरी ओर उन लोगों के साथ काम करना बड़ा बोझिल होता है जो सोचते हैं कि वे पहले से सब कुछ जानते हैं, जैसा मेरे रियल एस्टेट सौदों में अक्सर होता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूं वे नए विचारों को लेकर वाकई रोमांचित होते हैं। बिल के साथ कुछ मिनट बातचीत करने के बाद मुझे हवाई अड्डे भागना पड़ा। बहरहाल, अगले कुछ महीनों तक हमारा संवाद बराबर चलता रहा और इसके साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग तथा इसके लाभों के प्रति मेरा सम्मान भी बढ़ता चला गया। 1994 में मैंने इस उद्योग पर गंभीर शोध करना शुरू किया। मुझे जिस भी प्रस्तुति की जानकारी मिलती थी मैं उसमें चला जाता था और वहां कही जाने वाली हर बात को गौर से सुनता था। मैंने कई कंपनियों के साहित्य का अध्ययन किया, उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स पर नजर डाली, गहराई में जाकर उनकी पड़ताल की। मैंने ये सारी जांच पड़ताल उसी तरह की जिस तरह मैं निवेश के लिए किसी व्यवसायिक उपक्रम का अध्ययन करता हूं। यदि जांच पड़ताल के बाद मुझे कंपनी जम जाती थी तो मैं उससे जुड़ जाता था।
ताकि मैं उसके बारे में अंदरूनी जानकारी हासिल कर सकूं और ये जान सकूं कि अनुभव अंदर से कैसा रहता है। अंततः इन कंपनियों के कुछ लीडर्स से मेरी मुलाकात होने लगी। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि व्यवसाय के दौरान मैं जिन लोगों से मिला था वे उनमें सबसे बुद्धिमान, दयालु, नैतिक, आध्यात्मिक और पेशेवर लोगों में से एक थे। एक बार मैं जब अपने पूर्वाग्रहों से उबर गया और नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से मिलने के बाद उनका सम्मान करने लगा तथा उनसे जुड़ने लगा तो मुझे इस उद्योग का हृदय मिल गया और मुझे जो मिला उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब 1975 में पहली अवसर बैठक में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की अवधारणा की जानकारी मिली थी तब मेरा दिमाग इसके विचार के प्रति कसकर बंद हो गया था। अब लगभग 20 साल बाद मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया था। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं, आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अमीर नहीं बने हैं, फिर भी आप दूसरे लोगों को इसके जरिए दौलत बनाने की सलाह क्यों देते हैं? देखिए, क्योंकि मैंने अपनी दौलत नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए नहीं बनाई है, इसलिए मैं इस उद्योग के बारे में निष्पक्ष हो सकता हूं। मैं बाहरी व्यक्ति के रूप में इस व्यवसाय की कद्र करने लगा और यह तब हुआ जब मैं पहले ही अपनी दौलत बना चुका था और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका था। वैसे अगर मुझे आज दोबारा शून्य से सब कुछ शुरू करना पड़े तो पुरानी शैली का व्यवसाय खड़ा करने के बजाय मैं नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करना चाहूंगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है? मैंने कहा था कि मैं दरअसल कभी भी प्रतिभागी के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा नहीं रहा, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो काफी समय से जुड़ा हुआ है और मैंने उन्हें अपने ज्ञान का लाभ देने के लिए आमंत्रित किया है। मेरे मित्र जॉन फ्लेमिंग ने जीवन में आर्किटेक्ट के रूप में शुरुआत की थी। एक बार तो उन्होंने प्रख्यात आर्किटेक्ट माइस वैन डर रोहे के लिए भी काम किया था। इस वजह से भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति उनकी नीति की कद्र करता हूं। खास बात यह है कि इस व्यवसाय में भी उन्होंने व्यवहारिक संरचना और उपयोगी निर्माण का वही जोश दिखाया। दूसरे शब्दों में वे ऐसे तंत्र बनाने को महत्व देते हैं जो लंबे समय तक कायम रहे। जॉन के पास नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 40 वर्ष का अनुभव है, जिसकी बदौलत वे इन पन्नों में हमें लाभान्वित करेंगे। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई और चलाई। वे बहुत सी कंपनियों में कई एग्जीक्यूटिव पदों पर रह चुके हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी और सम्मानित कंपनी शामिल है। इसमें वे 15 वर्षों तक रीजनल वाइस प्रेसिडेंट रहे और फिर बिक्री रणनीति, प्रशिक्षण तथा विकास के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। वे उद्योग के विभिन्न ट्रेड समूहों में सक्रिय रहे हैं। 1997 में डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन ने जॉन को अपने सर्वोच्च सम्मान सर्कल ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा। आज जॉन डायरेक्ट सेलिंग न्यूज के प्रकाशक और प्रमुख संपादक के रूप में कार्यरत हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की सेवा करने वाला एक प्रतिष्ठित ट्रेड प्रकाशन है। तो रॉबर्ट जॉन से पूछते हैं, जॉन, उन पाठकों के लिए जिन्हें शायद पहले से न पता हो, आप ये बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या और इसे कौन सी चीज चलाती है? रॉबर्ट, नेटवर्क मार्केटिंग पिछली सदी के मध्य से विभिन्न रूपों में हमारे बीच में रही है। इसका बुनियादी विचार सरल भी है और बेहतरीन भी। प्रोडक्ट्स या सेवाओं के प्रचार के लिए तमाम पेशेवर संस्थाओं और मार्केटिंग चैनल्स पर ढेर सारा पैसा खर्च करने के बजाय क्यों ना उन्हीं लोगों को भुगतान किया जाए जो उन प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और दूसरों को उनके बारे में बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बिल्कुल यही करती है। उसे बिक्री से जितने भी डॉलर मिलते हैं उनका एक हिस्सा ये स्वतंत्र प्रतिनिधियों को लौटा देती है, जो आमतौर पर उनके प्रोडक्ट्स के सबसे समर्पित और उत्साही उपभोक्ता होते हैं। ओके जॉन, एक मिनट के लिए मैं इसके विरोधी की भूमिका निभाना चाहूंगा। वैसे कारगर कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि मार्केटिंग की खास योग्यता न रखने वाले सामान्य लोगों का समूह वास्तव में प्रतिस्पर्धा के वर्तमान माहौल में ज्यादा बिक्री कैसे कर सकता है? देखिए रॉबर्ट, दरअसल यही इसकी सुंदरता है। जैसा हर मार्केटिंग प्रोफेशनल, हॉलीवुड प्रोड्यूसर और बड़ी कंपनी का मालिक जानता है, व्यक्तिगत मौखिक प्रचार ही संसार का सबसे शक्तिशाली प्रचार माध्यम होता है। इसीलिए टेलीविजन पर विज्ञापन देने वाली कंपनियां अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को करोड़ों डॉलर की फीस चुकाती हैं, ताकि वे आपकी माँ, आपके जीवन साथी, आपके सबसे अच्छे मित्र या आपके बच्चों की तरह बात करें।
वे लोग व्यक्तिगत मौखिक अनुशंसा की नकल कर रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम असल चीज का इस्तेमाल करते हैं, मॉडल की असली शक्ति, जिसे आप लीवरेज कहते हैं। यह है कि प्रतिनिधि के रूप में आपको सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर कमीशन नहीं मिलता है जो आपके द्वारा अनुशंसित लोग खरीदते हैं, बल्कि प्रायः उन प्रोडक्ट्स पर भी मिलता है जो उनके द्वारा अनुशंसित लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीदते हैं। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। अब यह तंत्र कैसे काम करता है, आप इस बात का जवाब जानते हैं। दरअसल डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का वार्षिक कारोबार आज पूरे संसार में $110 अरब से अधिक का है। आर्थिक संदर्भ में यह बहुत विशाल भूखंड है जो लगभग न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या फिलीपींस के आकार का होगा। मैं प्रायः इस बिजनेस मॉडल का वर्णन करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही शब्दावलियों का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि आज अधिकांश डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की नीतियों पर चल रही हैं। बहरहाल इस पुस्तक के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का ही इस्तेमाल करूंगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग से पूरी बिक्री बढ़ती रहती है। इसका एक कारण यह है कि यह असली जीत स्थिति है। बाजार में कंपनी की आश्चर्यजनक पैठ हो जाती है और ग्राहकों की जागरूकता भी बढ़ जाती है, जिसे पारंपरिक मार्केटिंग के माध्यम से हासिल करना बहुत मुश्किल और महंगा हो सकता है। इसके अलावा स्वतंत्र प्रतिनिधि को महत्वपूर्ण कैश फ्लो प्राप्त करने का मौका भी मिलता है। कैसे? कंपनी की प्रोडक्ट लाइन और या सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला महत्वपूर्ण नेटवर्क बनाने के लिए मौखिक प्रचार, आपसी संबंधों की शक्ति का दोहन करके। रॉबर्ट, आपने कहा है कि बी क्वाड्रेंट के व्यवसाय में कम से कम 500 कर्मचारी होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रखते हैं, इसमें तो आप स्वतंत्र प्रतिनिधियों को स्पॉन्सर या प्रायोजित करते हैं, लेकिन आर्थिक पैमाना वही रहता है। जब आपके स्वतंत्र प्रतिनिधियों का नेटवर्क बढ़कर 300, 400 या 500 व्यक्तियों का हो जाता है, तो आपके पास एक बड़ा संगठन हो जाता है जो काफी अवशिष्ट या रेसिड्यूअल आमदनी प्रदान करता है। दूसरे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं? जैसा जॉन कहते हैं कि यह मॉडल इसीलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह कारगर है, और यह सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं, प्रख्यात प्रबंधन विशेषज्ञ और मशहूर बेस्ट सेलर इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस के लेखक टॉम पीटर्स ने नेटवर्क मार्केटिंग का वर्णन करते हुए कहा है, मार्केटिंग में पहला सचमुच क्रांतिकारी परिवर्तन जो 50 साल से भी अधिक समय पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आधुनिक मार्केटिंग के आविर्भाव के बाद हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग की वर्तमान तथा भावी सफलता के बारे में फोर्ब्स, फॉर्च्यून, न्यूज़वीक, टाइम, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, यूएस टुडे, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी पत्रिकाओं में बहुत से लेख प्रकाशित हुए हैं। बहरहाल 15 साल पहले इनमें से किसी भी पत्रिका ने इस व्यवसाय को स्वर्णिम अवसर नहीं कहा था, और अब देखें कि फॉर्च्यून का हालिया अंक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहता है। आज कई विशेषज्ञ और सफल व्यवसायी नेटवर्क मार्केटिंग को विश्व के सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाले बिजनेस मॉडल में से एक मानते हैं। एक निवेशक का स्वप्न, व्यवसायिक जगत का सर्वश्रेष्ठ ढंग से कायम रहस्य, एक उद्योग जिसमें स्थायी वार्षिक विकास है, स्वस्थ कैश फ्लो है, निवेशित पूंजी पर ऊंचा लाभ है और वैश्विक विस्तार की दीर्घकालीन संभावनाएं भी हैं। वॉरेन बफे और रिचर्ड ब्रांसन में इतनी ज्यादा भिन्नता है कि जितना दो लोगों में हो सकती है। वॉरेन बफे एक पिकअप चलाते हैं और ओमाहा में रहते हैं। दूसरी ओर ब्रांसन अपनी खुद की एयरलाइंस में उड़ान भरते हैं और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में अपने खुद के टापू पर रहते हैं। लेकिन इनमें तीन चीजें समान हैं, दोनों ही अरबपति हैं, दोनों ही बेहद व्यवहारिक हैं और ये दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के स्वामी हैं। क्या इससे आपको कोई नई बात पता चलती है? सिटी ग्रुप, जॉकी, लॉरियल, मार्स, रेमिंगटन और यूनिलीवर, जरा अंदाजा लगाएं कि इन सभी में कौन सी समानता है। इन सभी ने नेटवर्क मार्केटिंग के समुद्र में अपने पैर का अंगूठा रखा है और कुछ मामलों में तो कमर तक का शरीर भी। आज कई विशेषज्ञ और सफल व्यवसायी नेटवर्क मार्केटिंग को विश्व के सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाले बिजनेस मॉडल्स में से एक मानते हैं।